क्या वजह है कि इंसुलेटर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में फेल होते हैं, शहरों में नहीं? शहरों में 24 घंटे बारिश हो रही है फिर भी बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होती। इंसुलेटर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में फेल होते हैं, सभी जगह होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अभी एक हफ्ते से समस्या जा रही है, दो फीडर्स में जा रही है। एक हमारा है 33 KV गढ़ी सोहरवा और एक है 33 KV बाणसागर। तो अभी कल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल लगभग हमने पूरा जो पहाड़ी वाला पोर्शन था उसको कवर किया, तो उसमें लगभग हमने 96 इंसुलेटर्स बदले हैं और आज भी हम वहीं पे काम कर रहे हैं ताकि वो पूरा पोर्शन कवर हो जाए। क्योंकि तो इंसुलेटर से जुड़ा ही मेरा एक और सवाल है कि इसके मेंटेनेंस को लेके क्या गाइडलाइन है कि कब चेंज होना चाहिए, कितना टाइम वो लास्ट करेगा? हमारे दो तरह से मेंटेनेंस होते हैं, एक होता है प्री मानसून, मानसून के पहले, और एक होता है पोस्ट मानसून, मानसून के बाद। उसके इन सब तैयारियों के बावजूद इतनी समस्या बिजली की अपने क्षेत्र में कैसे हो रही है? लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे लाइटनिंग हो रही है और रात रात में लाइटनिंग हो रही है, तो उसके वजह से भी जो कमजोर है इंसुलेटर जो बहुत पहले के हैं, तो उसमें फॉल्ट बनता है। कितने घंटे बिजली देती है? बिजली तो 24 घंटे ही देनी है डीएल फीडर में, और एजी फीडर्स में 10 घंटे देनी है। क्योंकि आपने बोला कि लगभग 90% अबव 90% आपकी बिजली की अवेलेबिलिटी है, जो कि ये गलत आंकड़ा है। एक महीने में अगर एवरेज जोड़ा जाए तो आप लोग एफिशिएंट थे 50 से 60%? नहीं, ये तो देखिए करीब 60%। मैंने आपको आंकड़ा बताया 23 घंटे 15 मिनट या 22 घंटे 30 मिनट, ये हमारा एमडास लगा हुआ है। एमडास एक कम्युनिकेशन है कि सारे मीटर्स लगे वो सारा कम्युनिकेट करके बताते हैं कि कितने घंटे बिजली चली। तो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको 24 घंटे में से 12 घंटे ही बिजली दे रही हूँ पूरे 300 महीने 300 दिन। हालत ये है मैडम, अगर आसमान में बादल दिखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि बिजली जाने वाली है। जब वो बारीचौरा सबस्टेशन बन के तैयार हो जाएगा तो आधा लोड वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक ये होगा तो जरूर जी। जैसे बारीचौरा में जो उद्घाटन हुआ था वहाँ भी मैं था, आपने खुद बताया था कि 1 जुलाई तक यहाँ से बिजली सप्लाई चालू हो जाएगी, लेकिन वहाँ जमीन पे अभी मिट्टी तक पड़ी है। कि हम 6 महीने में इसको 6-7-8 महीने तक हम कर दें, लेकिन कुछ अप्रूवल्स और कुछ और दिक्कतों की वजह से थोड़ा लेट वहाँ हुआ है। देखिए ओवरऑल रीवा में जहाँ तक मुझे मालूम है 350 करोड़ का है प्रोजेक्ट ओवरऑल रीवा सर्कल में है, कि 4 घंटे से ज़्यादा कहीं पे भी बिजली बंद ना रहे और बल्कि मिनिमम 30 मिनट से ज़्यादा बंद ना रहे। क्योंकि अगर आपका सर्वे सही हुआ था तो विधायक जी को बैठने की क्या आवश्यकता हो गई थी? अपने मन मुताबिक जगहों पर ट्रांसफार्मर और खम्भे चाह रहे थे। नहीं बोले साहब, क्या नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, यह हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं त्योंथर के बिजली विभाग के ऑफिस में, और यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य ये है कि इस समय जनता त्राहिमाम कर रही है, भीषण गर्मी है, किसानों को भी पानी की आवश्यकता है, जिसके लिए बिजली यहाँ पे मुख्य स्रोत है। तो काफी समस्याएं हैं, हम लोग खुद भी त्योंथर में रह रहे हैं, बच्चों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी फॉल्ट आती है। जनता की काफी शिकायतें रहती है प्रतिनिधियों से भी और बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी। आज इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ जनता की ही समस्या है या कुछ बिजली विभाग के कर्मचारियों की भी समस्या है, कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति जो होती है वो बाधित होती है। तो अल्पा ठाकुर जी, आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और बिजली से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे कि आखिर बिजली की समस्याएं क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, और कहां तक बिजली विभाग ऑफिस उन समस्याओं को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज में। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे द खबरदार न्यूज के दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम अल्पा ठाकुर है और मैं कार्यपालन अभियंता त्योंथर हूँ। इसके अलावा आपके जो सवाल है वो प्लीज़ पूछिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने बोला कि जो कंडक्टर्स हैं वो फेल हो रहे हैं बारिश की वजह से, इंसुलेटर्स, क्या वजह है कि इंसुलेटर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में फेल होते हैं, शहरों में नहीं? शहरों में 24 घंटे बारिश हो रही है फिर भी बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होती। इंसुलेटर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ
ग्रामीण क्षेत्र में फेल होते हैं, सभी जगह होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अभी एक हफ्ते से समस्या जा रही है, दो फीडर्स में जा रही है। एक हमारा है 33 केवी गढ़ी सोहरवा और एक है 33 केवी बाणसागर। तो ये जो 33 केवी बाणसागर है, यहाँ पे अभी हमने पेट्रोलिंग कराई, क्योंकि दो से तीन दिन ऐसा हुआ कि डेली रात में वहाँ पे फॉल्ट आ जाता था। लेकिन जब हम सुबह पेट्रोलिंग कराते थे तो यही देखा गया कि वहाँ के इंसुलेटर से फेल निकलते थे और एक दिन में लगभग 38 इंसुलेटर हमको फेल मिले। तो इससे जो एनालिसिस हमने किया, ये समझ में आया कि यहाँ पे लाइटनिंग जोन बहुत है, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है, तो लाइटनिंग की वजह से ये इंसुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो अभी कल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल लगभग हमने पूरा जो पहाड़ी वाला पोर्शन था उसको कवर किया, जिसमें लगभग हमने 96 इंसुलेटर्स बदले हैं और आज भी हम वहीं पर काम कर रहे हैं ताकि वो पूरा पोर्शन कवर हो जाए। क्योंकि कितने इंसुलेटर्स हैं जो बदले जाने हैं, जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते? ये हमने इंसुलेटर आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने पोर्शन आइडेंटिफाई किया। जैसे जो आपका ये जो पहाड़ वाला पोर्शन है, जो पूरा पहाड़ से नीचे उतरता है, उसमें ये होता है कि जैसे अगर रात में लाइट बंद हो जाती है तो हम वहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाते। दूसरा, लाइटनिंग भी वहीं पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और कमज़ोर वहीं के इंसुलेटर है। तो लगभग अभी 150 इंसुलेटर आज दिनांक तक हमने चेंज कर दिए हैं। और इसके अलावा एक हमारी ट्रांसमिशन की लाइन गई हुई है जो उसी के बगल से गई है, तो जब भी लाइटनिंग होती है तो वो रिफ्लेक्शन हमारी लाइन पर आता है, वहाँ के इंसुलेटर्स भी हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेल मतलब ख़राब होते पाए गए हैं। तो वहाँ हमारा भी नेक्स्ट जो स्टेप जाएगा, अभी कल से जो कराएंगे हम उस पोर्शन में कराएंगे। फिर लगभग ये कोशिश है कि 150-200-250 करीब हम इंसुलेटर बदलेंगे। तो इंसुलेटर से जुड़ा ही मेरा एक और सवाल है कि इसके मेंटेनेंस को लेके क्या गाइडलाइन है कि कब चेंज होना चाहिए, कितना टाइम वो लास्ट करेगा? क्योंकि जहाँ से बिजली विभाग परचेस करता होगा तो कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी चेक और ये सारी चीज़ें होती होंगी, क्या गाइडलाइन है कि इंसुलेटर्स कब चेंज होने चाहिए? नहीं, देखिए इंसुलेटर्स तो जब ये खरीदी की जाती है उसके पहले ही आपके इंस्पेक्शन हो जाते हैं। वो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो हमारे पूरे प्रोसेस है कि किस तरह से चेकिंग होनी है, वो चेक करके ही हमको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये काफ़ी सालों से लगे हैं इंसुलेटर, ऐसा तो है नहीं कि अभी साल दो साल, 10 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे। तो हमारे दो तरह से मेंटेनेंस होते हैं, एक होता है प्री मानसून, मानसून के पहले, और एक होता है पोस्ट मानसून, मानसून के बाद। तो प्री मानसून मेंटेनेंस में जैसे हम क्या करते हैं, ट्री कटिंग करा देते हैं कि हमारी लाइनों के पास पेड़ तो नहीं आ गए, वो करवाते हैं। और जो हमको दिख रहे होते हैं सामने से, ये थोड़ा ब्रेक हो गया है या इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, वो इंसुलेटर्स हम बदल देते हैं। लेकिन जब ये, जैसे अभी हम ये लाइनों की बात करें, जब लाइट बारिश होती है तभी भी जैसे लाइटनिंग के कारण ख़राब हो गया, या अंदर से क्योंकि हमको ऊपर से नहीं दिख पाया, अंदर से वो कमज़ोर हो गया था, तो उस टाइम अगर वो बारिश के टाइम में वो ब्रेक हो गया तो वो हम लोग जब हमारे ये फॉल्ट्स आते हैं तब बदलते हैं। बाकी हम लोग प्री और पोस्ट मानसून में जो ख़राब दिखते हैं वो हम लोग साथ साथ में बदलते जाते हैं। इसके अलावा जो जम्पर है लाइनों के, वो अगर लूज़ हो गए हैं तो उसको हम टाइट कर दें पर्टिकुलर वहाँ तक कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, नहीं तो पूरा रिफ्लेक्शन पे सब स्टेशन पे आ जाएगा। तो उसको भी टाइट किए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में अगर कोई फॉल्ट आया तो जम्पर्स भी निकल जाते हैं, उसकी वजह से भी फॉल्ट बनता है। ये सारी प्रक्रिया हम प्री और पोस्ट मानसून में कराते हैं। आपने ये प्रक्रिया किया था इस वाले मानसून से पहले? अप्रैल में हमने, अप्रैल से लेके अभी मई लास्ट तक हमने 33 केवी लाइन सारी करवाई थी और 11 केवी लाइन भी, जहाँ जहाँ हमको ज़्यादा फॉल्ट्स की ड्रिपिंग्स दिखती थी वो वाली लाइन हमने सारी कंप्लीट कराई थी। उसके इन सब तैयारियों के बावजूद इतनी समस्या बिजली की अपने क्षेत्र में कैसे हो रही है? वही मैं आपको बताई कि जब हम लोग प्री मानसून कराते हैं तो वो हमको जो दिखाई पड़ता है ऊपर से कि भाई ये ब्रेक है या यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती हो, लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे लाइटनिंग हो रही है और रात रात में लाइटनिंग हो रही है, तो उसके वजह से भी जो कमज़ोर है इंसुलेटर जो बहुत पहले के हैं तो उसमें फॉल्ट बनता है। वो हम पूरे अब क्योंकि हमको ये लगातार वही फॉल्ट्स मिले कि जो भी ना तो हमारा जम्पर या ना ही हमारे जैसे ट्रीज के कारण कोई फॉल्ट बना, फॉल्ट सिर्फ बना इंसुलेटर की वजह से। तो उससे ये समझ में आया कि भाई ये जो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ ये समस्या आ रही है, तो उसको बदला जाए। तो अभी हमने ये परसों 2-3 दिन पहले ही निर्णय लेके ऊपर बात करके पूरा इंसुलेटर हमने ड्रॉ कराया है और उसको बदलने की प्रक्रिया चालू है। क्योंकि अभी अगर डेली किसी ना किसी इंसुलेटर में फॉल्ट बनेगा तो वो तो दिक्कत होगी ही, और इससे यही समझ में आ रहा है क्योंकि ये पूरी लाइन पहाड़ के ऊपर से आई है, लाइटनिंग जोन भी है, तो ये दिख रहा है कि हाँ भाई इंसुलेटर जो है ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो इनको बदलने की आवश्यकता है।
वैसे बाकी आप अगर देखें ये दो लाइनों को छोड़ के अगर आप देखें तो बाकी जगह भी हमने 33 के भी लाइनों का मेंटेनेंस इसी तरह से किया है, लेकिन वहाँ ये सारी समस्या नहीं आ रही, ना ही इतने लेवल पे फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें जवा है या फिर कटरा है तो 33 के भी लाइनें इतनी ज्यादा फॉल्ट तो बनता है, हम नहीं बोल रहे हैं कि बारिश हुई तो बंद नहीं होती, होती है, चालू हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं होती कि लगातार नेक्स्ट डे भी हो गई फिर नेक्स्ट डे भी हो गई, ऐसी समस्या हमको बाकी जगह नहीं दिखाई हुई है, बड़ी है बस ये जो एक 33 के भी बाण सागर है इसमें दिक्कत बहुत ज्यादा। अभी जैसे गाइडलाइन क्या है आप लोगों को, कितने घंटे बिजली देनी है? बिजली तो 24 घंटे ही देनी है डीएल फीडर में और एजी फीडर्स में 10 घंटे देनी है। घर घर का जो कनेक्शन रहता है उसमें 24 घंटे जी। कितने घंटे ऑन एवरेज पिछले एक महीने में बिजली थी यहाँ देवघर क्षेत्र में? देखिए अभी जो यहाँ पे लास्ट देखा है वो 23 घंटे 15 मिनट करीब थी एवरेज में, ओवरऑल लास्ट महीने का जो एवरेज देखेंगे। और आपको लगता है कि ये आंकड़ा सही है? ये तो क्यों एमडा से निकाला हुआ, ये अब 5-6 दिन की बात मतलब लग रहा होगा आपको कि ये जो हमारी 5-6 दिन बिजली जो दो फीडर्स में बंद थी इस वजह से लग रहा होगा, वैसे ऑन एन एवरेज 23 घंटे 15 मिनट, कई बार ऐसा होता है कि 22 घंटे 30 मिनट अगर होता है तो वो इसी वजह से कि ये जैसे लाइनें। बिजली विभाग सोशल मीडिया में एक्टिव है, आपका पेज वगैरह है सोशल मीडिया में? हमारा ईजेड का पेज है, उसमें जैसे हम मेंटेनेंस कराते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन डालना हो उसमें ईजेड जो हमारा बना हुआ है ईजेड का पेज उसमें डाला जाता है। फेसबुक वगैरह आप लोग यूज नहीं करते यहाँ आते हो? थर में क्या चल रहा है गतिविधि, लोग किस तरह से परेशान हैं, हमारी बिजली को से रिलेटेड तो कोई समस्या नहीं है? हमारा जो कंपनी लेवल पे ईजेड ग्रुप बना हुआ है उसी में सारे डिवीजन हो या फिर सर्कल स्तर पे जो भी चीज़ें होती है वो उसी में डाला जाता है, पर्टिकुलर किसी डिवीजन का अलग से पेज नहीं बना हुआ या अलग से वो फेसबुक का अकाउंट नहीं है, वो ईजेड कंपनी लेवल का अकाउंट है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि लगभग 90% आपकी बिजली की अवेलेबिलिटी है, जो कि एक गलत आंकड़ा है क्योंकि लास्ट लगभग 45 डेज से मैं खुद त्योंथर में हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरह से बिजली की समस्याएं हैं। मेरा घर बड़ा गांव में है तो बड़ा गांव में मैं रहता हूं, अभी छुट्टियों में आया हुआ हूं और मैं ये देखता हूं कि यहां बहुत समस्या है, लाइट फॉल्ट रहेगी, बारिश होगी लाइट कट जाएगी, ऐसा शहरों में नहीं होता कि जब बारिश हो रही है तो लाइट कट जाए, जबकि आप देखो तो शहरों में भी जो लाइट आई हुई जो मेन कनेक्शन है वो तो पहाड़ों से ही आया हुआ है, तो या तो यहाँ पे मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रहा है और या तो फिर इफिशियंट इंजीनियर्स नहीं हो जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक जोन है या किन किन चीज़ों को मेंटेनेंस करना ही है, भले ही वो चीज़ 3 साल पुरानी हो गई तो उसको चेंज करना ही, भले वो अच्छी दिख रही हो, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए इसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे आपको कुछ एफओसी कंप्लेंट्स भी रहती है कि एफओसी मतलब किसी पर्टिकुलर एक या दो घर की बिजली बंद है या पर्टिकुलर एक सेक्शन में कहीं का तार टूट गया है, यहाँ पे और भी जैसे समस्या देखते हैं तो तार टूटने की काफी समस्या आती है। तो अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से RDSS योजना जो आई है उसके तहत भी यहाँ पे ढेर सारे काम अभी प्रस्तावित हैं, जैसे हमारे 3 सबस्टेशन रायपुर सुनौली जो DC है वहाँ प्रस्तावित है 3 सबस्टेशन, एक हो गया इटौरी, एक है सूती, एक है बारीचौरा, यहाँ 3 सबस्टेशन प्रस्तावित है। तो जो भी ओवर वोल्टेज की समस्या पहले सालों में रही है कि भाई एक जगह ओवरलोडेड हो गया तो हमको उस पोर्शन को काट के दूसरा पोर्शन चालू करना पड़ता था, कुछ घंटे हमने इनको बिजली दी कुछ घंटे हमने वहाँ, तो ये सारी समस्या 3 सबस्टेशन बनने में सॉल्व होगी। दूसरा इसके अलावा फीडर सेपरेशन प्रस्तावित है, वहाँ पे DL फीडर्स तो ऑलरेडी हैं, AG फीडर्स क्रिएट किए जाएंगे जिसमें 63-100 KV के ट्रांसफार्मर्स एडिशनल लग रहे हैं, तो वहाँ की जो ओवर वोल्टेज की समस्या है वो सॉल्व होगी, तो दिक्कतें ख़त्म होगी। प्लस जो हमारे जैसे LT कन्वर्जन के काम है, जहाँ पे LT में तार है उसकी जगह हम लोग नई केबल वहाँ पर प्रस्तावित कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो तार टूटने और ये सारी समस्या ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से कार्य हैं जो प्रस्तावित है, जो हमारा लगभग 24 दिसंबर तक ये काम कम्प्लीट होंगे। तो जब ये सारे काम हो जाएंगे तो जैसे ये अपनी समस्याएँ रहती है कि बार बार तार टूट रहा है, केबल चल रही है,
इससे भी आपकी बिजली बाधित होती है सारे काम, कहीं ना कहीं ये सारे काम होने के बाद आपका। अभी जैसे आपने बोला कि तार कट रही है, बैटरी चेंज करनी है, आप बात करते हैं, आप कंटिन्यू करिए। अभी जैसे तार कटने की आपने बात की कि बारिश में तार टूटने की बात होती है, आपने बोला कि हम लोग प्री मानसून पहले पेड़ों को कटवाते हैं, ठीक है, जनरली पेड़ों की वजह से ही तार टूटते हैं। जब आपने पेड़ कटवा दिए तो इतने तार कहाँ टूटते होंगे? सबसे ज्यादा कंप्लेन आपके ऑफिस में किस चीज को लेके आती है? तो जो हम लोग मेंटेनेंस करा पाते हैं, जो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, 33 kV और 11 kV का पूरी तरीके से मेंटेनेंस करा पाते हैं। जहाँ जहाँ ओवरलोडेड जो हमारे टाउन्स के डीटीआर हैं, टाउन और जहाँ पे ज़्यादा बस्ती वाली डीटीआर हैं, हम उनके मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करा पाते हैं। लेकिन कुछ जैसे और इंटीरियर पोर्शन है, वहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि नहीं उतना मेंटेनेंस, क्योंकि हमको टाइम 3 महीने का ही मिल पाता है, अप्रैल टू जून लास्ट तक हम लोग कर पाते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है तो तार क्योंकि काफी साल तो जैसे मैडम अभी इन सब वजहों से, वजह कोई भी हो, हकीकत यही है कि बिजली ढंग से नहीं मिल रही है। मतलब आप अगर मैं कहूं कि पिछले एक महीने में अगर एवरेज जोड़ा जाए तो आप लोग एफिशिएंट थे 50-60%। नहीं ये तो देखिए करीब 60% तो मैंने आपको आंकड़ा बताया, 23 घंटे 15 मिनट या 22 घंटे 30 मिनट, ये हमारा एमडास लगा हुआ है, एमडास एक कम्युनिकेशन है कि सारे मीटर्स लगे हैं, वो सारा कम्युनिकेट करके बताते हैं कि कितने घंटे बिजली चली, उसके अनुसार ही मैंने बताया। देखिए वो सब सही बात है, वो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, मैं हम लोग रियल यूजर हैं, जो रियल यूजर हैं, जो जो जिनके घर में बिजली नहीं आ रही, आप देखिए फेसबुक वगैरह में पटे पड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पटे हुए, दीज आर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल यूजर्स। तो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको 24 घंटे में से 12 घंटे ही बिजली दे रही हूँ, पूरे 300 महीने 300 दे रही हूँ। नहीं एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, ऑन एवरेज। तो क्या बिजली का बिल भी कम करते हैं आप लोग? बिजली का बिल आपके उसमें नहीं आता, आपका तो मीटर लगा हुआ है, मीटर जो आपका लगा है उसके अनुसार आता है कि कितनी देर आपकी बिजली चली, कितनी खपत हुई। और एक बार ये जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो भी मैडम ने बताया, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हैं, जो एवरेज बता रहे हैं, वो तो आपके त्योंथर में लगे हुए हैं। बिजली आपको बड़े गांव में चाहिए या मुझे रायपुर सोनोरी में चाहिए, तो प्रॉब्लम तो वहां है मैडम। अभी ज्यादा लगेंगे, आप जैसे आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई सेक्शन आपका टूट गया, मतलब तार टूट गया या मान लीजिए केबल जल गई, इस तरह की किसी सेक्शन की बात कर रहे होंगे कि मान लीजिए आपकी बिजली बंद हुई तो वहाँ पे आपका 1 या 2 घंटे या 3 घंटे बाद बना, ये आप बात कर रहे हैं। हालत ये है मैडम कि अगर आसमान में बादल दिखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि बिजली जाने वाली है, और यही होता है। रायपुर फीडर की अगर बात करें तो वहाँ पावर ट्रांसफार्मर की मांग आज 4 साल से हो रही है कि 5 को 8 कर दिया जाए। अब आप जब पावर ट्रांसफार्मर वहाँ 8 लगाएंगी तो ये पता चलेगा कि ये भी ओवरलोडेड है, क्योंकि अब वहाँ डिमांड कायदे से 10 की हो रही है, 10 वहाँ लगना चाहिए। तो हमारा एक बारी चौरा सबस्टेशन वहाँ प्रस्तावित है, जब वो बारी चौरा सबस्टेशन बन के तैयार हो जाएगा तो आधा लोड वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक ये होगा तो जैसे बारी चौरा में जो उद्घाटन हुआ था वहाँ भी मैं था, आपने खुद बताया था कि 1 जुलाई तक यहाँ से बिजली सप्लाई चालू हो जाएगी, लेकिन वहाँ जमीन पे अभी मिट्टी तक पड़ी है। फिलिंग वर्क वहाँ स्टार्ट हो चुका है जी जी, वो देखिए वो हमने अगर आप सूती देखेंगे तो पूरा फिलिंग का काम शुरू हो गया है, बाकी और जो उसका क्या कंट्रोल रूम वगैरह के काम वहाँ चालू हो गए। अब यहाँ पे ज़रूर लेट हुआ, वहाँ पे कुछ हमारे पेंडिंग थे, कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग थे, इस वजह से थोड़ा लेट चालू हुआ है, लेकिन ये भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। हमारी प्लानिंग यही थी कि हम 6 महीने में इसको 6-7-8 महीने तक हम कर दें, लेकिन कुछ अप्रूवल्स और कुछ और दिक्कतों की वजह से थोड़ा लेट वहाँ हुआ है, लेकिन ये प्रस्तावित है और ये बनेंगे भी। और ये जो लोड आप बता रहे हैं कि हमारा यहाँ ओवरलोडेड हो जाता है, ये आपका बिल्कुल वो बनने के बाद आधा हो जाएगा वहाँ लोड। तो एक तो समस्या ये होगी, दूसरा जो आप बता रहे हैं 5-8 करना था, तो वो अभी इसी RDSS योजना में जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें हमने प्रस्तावित किया है, उसको पावर ट्रांसफार्मर को ऑगमेंटेशन हमने प्रस्तावित किया है वहाँ पे। वो तो रही फ्यूचर की बात, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो किसानों की फसलें नहीं वो टाइम पे उगा पा रहे हैं, या जैसे अभी रोपा का टाइम हो गया है, आप त्योंथर से ही हैं?
मैं जबलपुर, इसके पहले मैं जबलपुर में पोस्टेड थी और मैं सिवनी से बिलोंग करती हूँ। आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पहली चीज जानकारी का भी अभाव है, बिजली जाती है तो कुछ न कुछ वजह से जाती है, उन वजहों को कम किया जा सकता है। बेशक जैसे आप जबलपुर बोल रही, जबलपुर से आई हैं, तो जबलपुर में हमारा ऑफिस है द खबरदार न्यूज़ का, वहाँ 3-4 दिन कंटिन्यूसली बारिश होती रहे तो भी, तूफान आए तो भी, बिजली अगर गई भी तो मैक्सिमम 5-10 मिनट के लिए जाएगी, वापस आ जाएगी। क्या डिफरेंस है वहाँ की जो ग्रिड्स हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो यहाँ त्योंथर में इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये डिफरेंस तो है, वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि शहर वाला एरिया है तो काफ़ी चीज़, जैसे स्काडा सिस्टम वहाँ पे चलता है तो वो आपको ऑन टाइम सारी चीज़ें दिखा देता है कि आपकी लाइन ये ट्रिप हो गई है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अभी रूरल्स में तो नहीं आई है, स्काडा सिस्टम वगैरह। प्लस दूसरा, जैसे वहाँ पे, जैसे आप बता रहे हैं, वहाँ पे इंटरकनेक्शन बहुत सारे होते हैं कि अगर ये वाली सप्लाई गई तो स्टैंड बाई पे एक सप्लाई रहती है, चाहे वो 11 kV हो या 33 kV, तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। अब यहाँ सारा रेडियल सिस्टम है, अभी फ़िलहाल में किसी भी तरह का लीलो अरेंजमेंट, लीलो मतलब कि कुछ इंटरकनेक्शन की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उतने सबस्टेशन अपन को मिल जाए, सबस्टेशन जैसे 3 प्रस्तावित है, अभी जब ये 3 बन जाएंगे तो इसी से बहुत सारी लाइनें जो हम यहाँ से काट के दूसरे सबस्टेशन में दे पाते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट वहाँ हो जाएगा। और भी जैसे हमने 33 kV के इंटरकनेक्शन अभी यहाँ प्रपोज हैं 4 नंबर, तो ये होगा कि जैसे एक सप्लाई बंद होती है तो हम दूसरी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ये सब सारी जब अरेंजमेंट हो जाएगा ये। लेकिन अभी मैंने बताया ना, 4 नंबर 33 kV भी प्रस्तावित है यहाँ पे। अब अभी आपको ज़रूर देखिए, ये सारी प्लान अगर किया गया है, प्रपोजल्स अगर दिए हुए हैं, तो ये सारी समस्याओं को जो पहले पास्ट में रही हैं समस्याएं, उनको देखते हुए ही प्रपोज किया गया है, ताकि जब ये काम हो जाए, अभी आप 1-2 साल में जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये जो हमारी समस्याएं थी ये कम हो गई हैं, क्योंकि आपके सबस्टेशंस प्रॉपर हो जाएंगे, आपके इंटरकनेक्शंस प्रॉपर हो जाएंगे कि हम सप्लाई इस सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशंस में दे सकते हैं, और आपके बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं ऑगमेंट हो जाएंगे, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लग जाएंगे तो ट्रांसफार्मर फेलियर रेट कम हो जाएगा। ये सारा जो प्रस्तावित किया गया है और जो योजना लाई गई है वो ये सारी समस्याओं को देखते हुए ही लाई गई है। देखिए ओवरऑल रीवा में जहाँ तक मुझे मालूम है 350 करोड़ का है प्रोजेक्ट ओवरऑल रीवा सर्कल में। त्योथर में आप इसको मान लीजिए 75 करोड़ या 100 करोड़ लगभग होना चाहिए। हाँ जी जी, एक चीज और मुझे मान लेते हैं कि आपकी सारी कही गई चीज़ें जो तो सही होती हैं, आफ्टर 2 ईयर जो है तो सारी चीज़ें आप लोग कन्वर्ट करते हैं, बट 2 सालों के बाद यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी बढ़ेगा, कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर लैंड्स में सिंचाई के लिए भी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, तो फिर से वही प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी कि मतलब कस्टमर बढ़ गए हैं, बिजली ज़्यादा खपत हो रही है, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए? देखिए जो मैंने आपको ये योजना बताई ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक एक फीडर में 30-30, 35-35, 63 और 100 का, जहाँ 100 के लग रहे हैं या 63 के, इतने प्रपोजल्स हैं वो ऑलरेडी आपके जितनी मांग है उससे ज़्यादा के ही प्रपोजल दिए गए हैं, ताकि 2 साल में या 3 साल या 5 साल में भी अगर लोड बढ़ता है तो वो उसको मतलब हो सके उसमें एडजस्ट। तो जितना प्रपोजल, अब आप खुद सोचिए, अभी जितने ट्रांसफार्मर मान लीजिए किसी एक फीडर में 150 ट्रांसफार्मर है बच्चे के, वहाँ हमने 30-35 और 63 के प्रपोज कर दिए या 100 के प्रपोज कर दिए, तो इतने आपका इतना लोड थोड़ी बढ़ पाएगा कि जो अभी 25 में चल जा रहा है वहाँ 63-100 हम लगा दिए, तो उतना लोड कवर हो जाएगा उसमें? ऑलरेडी फ्यूचर को देखते हुए ही सारे प्रपोजल बनाए गए हैं और अभी सर्वे चल ही रहा है। एक इसका जो सेकेंड पार्ट वाला है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे और चाहिए थे, कुछ फीडर अगर ऐसे हैं जहाँ छूट गया या जो पोर्शन छूट गया है उसको भी हम कवर कर रहे हैं, अभी जो सेकेंड जो इसका पार्ट है उसमें ले लिया गया है। तो इस तरह की एक और सवाल, इस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। उसके अलावा हमारे जो हम लोग जो अपने डिपार्टमेंट से काम कराते हैं कि भाई ये इतना काम होने के बाद भी अगर हमको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ज़रूरत है, तो वो डिपार्टमेंट से जो काम होते हैं हर साल उसमें भी लिया जाता है। जैसे वो तो फ्यूचर प्लान हो गया है ना, फ्यूचर प्लान तो तब सक्सेसफुल होगा जब लोग सर्वाइव कर जाएंगे इस गर्मी में,
यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं बाहर भी रहते हैं, जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को भी परेशानी होती है, अचानक तबीयत खराब हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। अभी अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ना आए? मैंने आपको वही बताया कि अभी जैसे मैंने दो फीडर्स देखे जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो ऊपर से अपना प्रपोजल भेज के सैंक्शन करा के अभी हम मैक्सिमम इंसुलेटर्स बदल रहे हैं, या इंसुलेटर्स बदल रहे हैं या और कोई समस्या है। अभी आप अगर 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा तो आपको खुद, आप जैसे वहीं रहते हैं आपने बताया मुझे, आपको खुद महसूस होगा कि यहाँ पे जितनी ट्रिपिंग अभी आ रही थी उस ट्रिपिंग एकदम मिनिमाइज हो गई। तो हमारी तरफ से कोशिश यही है कि आपकी जल्दी कंप्लेंट रिजॉल्व हो, ज़्यादा देर के लिए सप्लाई बंद ना हो। जैसे आपने बताया, अब कई बार दिक्कतें ऐसी आ जाती है कि रात में सप्लाई बंद हो गई, बारिश हो रही है लगातार और हमारा स्टाफ वहाँ पे, क्योंकि एरिया वैसा है घना जंगल है, तो नहीं रात में काम कर पा रहा, तब ही ऐसा होता है कि हम 6-6:30 बजे स्टाफ को निकाल पाते। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि 4 घंटे से ज़्यादा कहीं पे भी बिजली बंद ना रहे, और बल्कि मिनिमम 30 मिनट से ज़्यादा बंद ना रहे, कोशिश हमारी यही रहती है। ये है कि आपकी कोशिशों पे हमारी उम्मीद जिंदा है। मैडम मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ये जो आप नई लाइन बनवा रही हैं, आपने बताया 63 के और 100 के टासवार में लग रहे हैं, इनको लेके कोई राजनीतिक इशू भी है क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक जी ने यही बिजली विभाग के सामने ही जमीन पे बैठ के धरना दिया था, अघोषित धरना था, उस वो क्यों हुआ था मैडम, उसका रीजन क्या था? विधायक जी के पास कुछ कंप्लेंट्स थी, उन्होंने बताया कि शायद जहाँ पे वो चाह रहे हैं लोग वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे, तो हमने उन्हें यहाँ पे, वो क्योंकि बताया नहीं थे ना, उनसे बात किया था उन्होंने उस टाइम, फिर जब वो यहाँ बैठे तो हमने उनको बाद में भी बताया कि भाई जो सर्वे हमारे पहले किए जा चुके हैं जो कि GIS सर्वे, और वो सारा कुछ मैप में, गूगल मैप में आपको दिखता है कि किस तरह से सर्वे, जो कंपनी को काम दिया गया है वो एज पर सर्वे ही काम करे। अगर आपका कुछ नया पोर्शन ऐड होना है तो वो नया पोर्शन उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो क्या विधायक अपने मन मुताबिक जगहों पे ट्रांसफार्मर और खंभे चाह रहे थे? नहीं, विधायक जी ने इस तरह से कुछ नहीं कहा कि हमको, जो वहाँ पे लोग उनसे संपर्क किया होगा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लगा या यहाँ हमको पोल चाहिए, तो उस चीज़ को लेके वो बैठे थे। लेकिन बाद में उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बाद में हमारे अधीक्षण यंत्री भी आए थे एक दिन मीटिंग में, तो सभी लोगों को सारी चीज़ क्लियर की गई है, और उनके समय समय पे जो कंज्यूमर्स की शिकायतें आती हैं तो उसके बेसिस पे हम सर्वे करा लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, वहाँ जाके हमारे जेई साहब वेई साहब सर्वे कर लेते हैं, अगर मिलती है गड़बड़ी तो उसको सही करा देते हैं। वैसे अभी तक तो ऐसे गड़बड़ी नहीं मिली है। विधायक जी ने उन स्पॉट्स पे आपका ध्यान खींचा था जहाँ आपका सर्वे नहीं हुआ था, तब तो आपका सर्वे कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर आपका सर्वे सही हुआ था तो विधायक जी को बैठने की क्या आवश्यकता हो गई थी? देखिए अभी मीटिंग मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे को ही मीटिंग हमारी उनके साथ हुई है, तो इसके जो उस दिन हमारी यहाँ पे बात हुई उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस उनके और सरपंच के द्वारा हमको दी गई है कि ये जो हमने आपको दिया है यहाँ पे भी आप दिखवा लीजिए। देखिए क्या है, अभी उनको ये तो मालूम नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ सर्वे किया है, जहाँ पे काम अभी, क्योंकि हमारा सिर्फ एलटी पोर्शन में काम शुरू हुआ है, बाकी काम अभी हम नहीं करा रहे, तो जब वो हमको एप्लीकेशन देती हैं तो हम उसको देख लेते हैं अपने GIS सर्वे में कि यहाँ जो उन्होंने दिया है वहाँ प्रपोज्ड है या नहीं, फिर हमको उनको अवगत कराते हैं कि सर यहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज्ड है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने लेटर्स दिए थे जिसमें से हमने उनको बताया भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज्ड है, क्योंकि अभी वहाँ पे काम हो नहीं रहा है तो उनको ऐसा लगता है यहाँ प्रपोज नहीं है, और जहाँ पे 25 की जगह हम 63 लगा रहे हैं तो ऑलरेडी एक बड़ा बंच ऑफ कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा ही, कि 25 में मान लीजिए 8 कंज्यूमर या 15 कंज्यूमर ही थे और 63 वहाँ पे एडिशनल लग रहा है या 100 एडिशनल लग रहा है, तो उतना लोड भी तो बढ़ जाएगा, उतना लोड आप और दे सकते हैं वहाँ पे। और अभी जो उनके सर्वे अभी मुझे एप्लीकेशंस मिली है, अभी मुझे लगभग उसमें 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, सभी के सर्वे किए जाने हैं। जयपुर में थी अभी कितना टाइम हुआ आपको? अभी मैंने जनवरी 17 को ज्वाइन किया। आने के बाद आपका पहला कदम क्या था? सबसे पहले तो देखिए, आने के बाद सबसे पहले तो हम एरिया को जानते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर का डोमेन क्या है, किस तरह के कंज्यूमर है, जैसे शहर में अलग तरह के कंज्यूमर होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर कंज्यूमर ज़्यादा है, पहले वो देखा, फिर समस्याएं किस तरह की होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैंने शुरुआत में देखा कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही कंप्लेंट ज़्यादा आती है, ट्रांसफार्मर फेल है, बदलने हैं, ओवरलोडेड है, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कुछ जो कंप्लेंट्स थी वो बिल रिलेटेड थी,
बीच में कुछ हमारी बिलिंग प्रोसेस चेंज हुई थी तो उससे रिलेटेड थी। तो अभी मैंने आपने देखा होगा मैं 10 तारीख से कैंप्स भी करा रही हूँ डीसीज में, तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी ज़्यादा बिल रिलेटेड कंप्लेंट आएगी तो हम 15 दिन के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम कोई भी अधिकारी आता है तो उनका कंज्यूमर के ऊपर ध्यान जाता है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है या हाँ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रहेगा तो ही हम उनसे प्रॉपरली और बाकी चीज़ों की हम वो कर सकते हैं कि भाई बिल टाइम पे भरे या ये करे। तो सबसे पहले कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ही मैंने ध्यान दिया था। तो अभी तो देखा जाए तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो डिपोर्टेड हैं, कि जो छोटे छोटे सब स्टेशंस बने हैं या जो कहीं के लिए भी डायरेक्ट लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे, जानते हैं कि कौन से बिजली विभाग में कर्मचारी काम करते हैं, तो लोग उनको कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं जल रही है या कुछ समस्या है लिखवा लो। उनका बिहेवियर कभी प्रोफेशनल नहीं होता, और ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं जो इन सब स्टेशंस में हैं वो तनख्वाह तो सरकार से पूरी पाते हैं, अपने अंदर भी किसी को वो लोग रख रखे हैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार दे के और उन्हीं को भेज देते हैं जाके तुम कर लो। आपको क्या इस चीज़ की जानकारी है अनप्रोफेशनलिज्म की? नहीं, इस तरह की चीज़ें तो मेरे पास नहीं आई कि वो किसी के अंडर रखें। हाँ, अगर कुछ कंज्यूमर ऐसे शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा टाइमली काम नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को संज्ञान में लेके हम पर्टिकुलर जो अलग अलग एसी में जेईस हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि भाई ये इसको करवाया जाना है, या फिर अगर किसी की लिखित कंप्लेंट आई है, जैसे आउटसोर्स करने जा रही है, किसी की लिखित कंप्लेंट और पास आई है और उसकी जांच कराने पे वो चीज़ें मिली हैं कि भाई ये गड़बड़ है, तो उसको तो तत्काल प्रभाव से बाहर करना ही है। या फिर अगर मान लीजिए कोई हमारा कर्मचारी है तो उसको तो नियमानुसार हमें कार्रवाई किया जाना करते हैं। अब जैसे देखा जाए तो जो कंक्लूजन निकल के आता है, इतनी समस्याएं और आप भी आप कोशिश कर रही हैं ईमानदारी से, आपसे बात करके ये चीज़ पता चली, कहीं ना कहीं आपकी टीम उतनी इफ़िशियंट नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं, आप जाके नहीं चेक कर सकती, जैसे अभी इतना फेलियर्स इक्विपमेंट्स में आ रहे हैं, आपके कनेक्शंस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया होगा, इस वजह से इतनी समस्याएं आ रही हैं। कैसे आप उसको दुरुस्त करेंगी? क्योंकि टीम बिल्डिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपकी टीम इफ़िशियंट है, आपकी टीम प्रोफेशनल है, थोड़ा वो लोग अपना वर्क एथिक्स भी समझते हैं, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएगी। वाकई में बहुत सी समस्याएं हैं, यहाँ बिच्छू निकल आती है, अभी बारिश का टाइम है, पूरा अंधेरा है, बिच्छू निकल आई, सांप काट लिया, हर साल कोई ना कोई यंग लड़का यहाँ से सांप काटने से मरता है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि घर में अंधेरा था, बिजली नहीं थी। तो शहरों में कभी ऐसा नहीं होता कि बिच्छू निकल आई, सांप आ गया, काट लिया किसी को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। इस गर्मी में बहुत से बच्चे भी बीमार हो जाते हैं जो असमय मर जाते हैं, कई बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि लाइट नहीं थी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो क्या आपका प्लान है, किस तरह से आप अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी, किस तरह से आप अपनी टीम बिल्ड करेंगी कि वो खुद समझें कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जितना हो सके लोगों को परेशानियाँ ना दे दूँ, क्योंकि लोगों के जो पैसे देते हैं उसी से उनकी तनख्वाह आती है, उनको इस चीज़ का बोध कब होगा? देखिए, ये मोटिवेट तो ऐसा है कि जैसे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही बी सी लेते हैं, बी सी जे से तो डेली पर्टिकुलर बात होती है, प्लस हम लाइन स्टाफ से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी को इसमें कनेक्ट करके बी सी लेते हैं, एक एक पॉइंट जो उनको करना है वो बताते हैं। इसके अलावा जब जब भी मेरे प्लान रहता है कि मुझे सी सी में जाना है, वहाँ डी सी में जाके भी लाइन स्टाफ और आउटसोर्स से बात करके उनको मोटिवेशन, जितना मोटिवेट हम बातों से कर सकते हैं, कार्रवाई एक अलग चीज़ है। कुछ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का भी आपने सिस्टम बना रखा है? अभी देखेंगे आप तो, अभी जो मार्च में जिन जून हमने काम किया और जहाँ लगा कि नहीं सही में इनने अच्छा काम किया, हमने उनको प्रोटोरिस्पिट भी कराया था इस हिसाब से, अच्छा उनका नाम देके मार्च में, क्योंकि काफी वसूली भी हुई, जहाँ हमको लगा कि हाँ डीसी में कि जहाँ की विद्युत व्यवस्था जो दुरुस्त है, अच्छे से काम कर रहा है, उनको हम बिल्कुल 15 अगस्त 26 जनवरी में ऐसे में प्रोत्साहित करते हैं ताकि मोटिवेट हो जाए। और उसके अलावा हमसे जो सपोर्ट उनको चाहिए कि भाई इक्विपमेंट्स चाहिए और कोई दूसरा सपोर्ट चाहिए, वो हमारी कोशिश रहते हैं कि वो अगर हमको बोल रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी उनको अरेंज करके दे सकें ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड। एक्चुअली यहाँ पे एक और सबसे बड़ी समस्या है, लोग अभी आपके ऑफिस के बाहर ही कुछ लोग खड़े हैं जिनका ट्रांसफार्मर किसान है, 2 महीने 2.5 महीने हो गए उनका ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम थी,
अभी तक चेंज नहीं हुआ। और आपने भी ये चीज़ बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या और कंप्लेंट ट्रांसफार्मर को लेकर आता है, तो क्या ऐसा कोई नियम नहीं ऑटोमेटिक कि एक बार जहाँ पे ट्रांसफार्मर लग गया तो मतलब अब वो अप्रूव्ड हो गया कि उस जगह में उतना लोड है, उस जगह में ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो ये बिजली विभाग का काम होना चाहिए कि वो जाके ऑटोमेटिकली चेंज होता है। बिल वसूल करना और ये सब चीज़ें करना अलग बात है, वो अवसर नहीं देता है कि जब आदमी विपत्ति में है या परेशानी में है बिजली बाधित है। बिजली एक हमारा जो अधिकार है आज के टाइम में, बिना बिजली के कुछ भी संभव नहीं, आधार बहुत जरूरत है। तो ऐसी प्रोसेस क्यों नहीं है कि आप लोग रिकमेंड नहीं करते कि खुद ही चेंज हो जाए? बिल उस समय क्यों देखा जाता है? क्या वो एक अवसर की तरह यूज किया जाता है? अवसर की तरह यूज नहीं किया जाता, लेकिन कंज्यूमर की भी, जैसे हमको बिजली देने होंगे कंज्यूमर को भी बिल तो देना ही है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अगर हम बिजली यूज़ कर रहे हैं तो समय पर बिजली बिल दें। लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे तो एक ही ट्रांसफार्मर पर दो दो तीन तीन लाख एजेंट बकाया होता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि नहीं बदला जाता, यहाँ पे बोलते हैं पूरा हमको चाहिए, सिर्फ 10% का क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपकी मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर फेल हो गया, वहाँ सालों से बिजली बिल पेमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 3 लाख बकाया तो 10% भी अगर कंज्यूमर पेमेंट कर देते हैं तो हम तुरंत बदल देते हैं। और मैक्सिमम देखिएगा कि ट्रांसफार्मर जो एलिजिबल है वो बिल्कुल टाइमली चेंज हो रहे हैं। जो ऐसा है कि जो पेमेंट ही नहीं किए हैं और बताने के बाद भी 10% भी देना नहीं है, वहाँ के लिए पेंडिंग होंगे। और नहीं तो कई बार ऐसा भी किया जाता है कि बहुत इमरजेंसी है तो ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया, नेगेटिव सिविल लगा के हम 10-20% जितना होता है वो हम वहाँ से वसूल करते हैं। 10% तो वाकई में बहुत छोटी सी अमाउंट है, और ये तो जो यूज करते हैं बिजली उनका भी कर्तव्य है कि बिजली का बिल भरे। तो ट्रांसफार्मर अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग बिजली का बिल भर के रखते हैं हमेशा, बहुत पंक्चुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये इंतजार करते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, हो सकता है माफ हो जाए, माफ भी हो जाता है कई बार, इस चक्कर में वो लोग जमा नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे अगर इस व्यक्ति ने इतने महीने तक बिजली का बिल नहीं भरा तो मैं उसकी बिजली कट कर दूं, लेकिन मेरा जो ट्रांसफार्मर है, जो बिजली की सप्लाई है, वो बाधित नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो मुझे बिजली का बिल दे रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रांसफार्मर तो बदलना ही है, चाहे 10% आ जाए, 20% आ जाए, चाहे कुछ भी आए। तो उस चक्कर में जिस व्यक्ति में भी जो एक अच्छा नागरिक है उसको भी सजा मिलती है, कहते हैं गेहूं के साथ खून पीसता है, तो उसको दूर करने के लिए आप लोग इस तरह का कुछ रास्ता अपना नहीं सकते, कुछ नियम नहीं है क्या? बकाया है उनकी लाइन कट करवाते हैं जो काफ़ी महीनों से पहले नहीं किए। और बाकी जैसे आप बता रहे हैं ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ है, क्या कई जगह ऐसे मैंने ट्रांसफार्मर बदलवाए हैं कि अगर किसी ने आके कहा है कि बहुत इमरजेंसी है, मैंने बदलवा दिए, नेक्स्ट डे दूसरे दिन तीसरे दिन हमारे लाइन स्टाफ ने जाके वसूल किया। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी है या बहुत दिक्कतें हैं या अंधेरे में है पूरा गाँव और हम वहाँ बिजली मतलब बदलवा दिए, बदलवाते हैं और बाकायदा 10% 20% दूसरे तीसरे दिन वसूलते भी हैं कि खुद से आगे नहीं जमा कर रहे हैं, तो हमने लाइन स्टाफ और आउटसोर्स की टीम को वहाँ पे लगा दिया है कि वसूल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं हम वहाँ महीनों हम जानबूझ के सिर्फ इसलिए। फिर 2-2.5 महीने क्यों लग जाते हैं ट्रांसफार्मर से? हमारे बल्क में अभी फेल हो गए, जैसे अब क्या है जितना भी मैंने देखा है, जैसे लास्ट सीजन में इन्होंने चला दिया जो किसानों की दिक्कत आ रही, अब इन्होंने नहीं देखा। तो अभी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो पिछले टाइम से फेल पड़े थे और अभी आके बता रहे हैं कि अभी हमने चालू किया तो फेल हो गया। तो ऐसे बल्क में अभी 15-20 दिन में ही ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हो गए हैं 25। तो उसके लिए मैं लगातार हमारी डेली गाड़ी जाती है सरकारी का जहाँ स्टोर और जितने ट्रांसफार्मर मिलते जाते हैं तो जो हमारे ओल्डेस्ट से न्यू वाले की सबसे पुराना कौन सा है उसके आधार पर हम उसको बदलते जाते हैं। तो जब सबसे पहले पुराना है उसको बदल दिया, फिर नेक्स्ट डे गाड़ी में 4-5-6 जितने भी हमको मिले, ज़्यादा भी मिलते हैं किसी दिन, तो उसके आधार पे एक दिन में 4-5 के पुराने भी मिलते हैं ट्रांसफार्मर, रिपेयर होके भी आते हैं आप लोग? रिपेयर होके ही आते हैं, जो फेल ट्रांसफार्मर है वो रिपेयर ही मिलते हैं उसके लिए, और नए जो नया प्रस्तावित है वो नया वहाँ पे। तो जो रिपेयर ट्रांसफार्मर आते हैं उनकी कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है? हाँ, उनकी गारंटी पीरियड होते हैं 2 साल लगभग, उनकी भी गारंटी 2 साल रहती है। तो फिर ऐसे में इतनी ज़्यादा फेलियर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर चेंज करना, मेंटेन करना, ये सब चीज़ें तो मतलब ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है लगभग 8,000 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है, उत्तर डिवीजन यहाँ पे सभी डीसी आते हैं,
उसके हिसाब से हमको जो हमें फेलियर रेट रखना है वो 5-6% ही रखना है। अच्छा। तो अभी जो हमारा फेलियर अभी अप्रैल से अभी तक देखेंगे तो लगभग 2% ही फेलियर देखे हैं। ऐसे नहीं कि इतने ज़्यादा फेल हो गए, 8,000 में से 2% मतलब 100-150 करीब फेल हुए हैं, उतने हमने मदद भी दी। और अभी जो आए हैं वो लगभग मैं 15-20 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि सारे आपके जितने हैं ये बदल जाए, क्योंकि ऊपर मैं अपने यहाँ पे रख भी नहीं हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिल जाए ट्रांसफॉर्मर, ताकि हम जल्दी से जल्दी बदल पा के इनकी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गई आपकी बात भविष्य को लेकर चर्चा भी की त्यौथर का जो बिजली विभाग है वो किस तरह से फ्यूचर को लेके तैयारी कर रहा है। आपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से जवाब दिया और आपसे बात करके लगा भी कि आप ईमानदारी से ट्राई कर रही हैं कि ये जो समस्याएं हैं दूर हों। हम कोशिश करेंगे कि जैसे आपके ऑफिस में इन्वर्टर नहीं लगा है वैसे ही लोग घरों में भी इन्वर्टर ना लगाएं। मुझे खुद 2 बैटरी लगवानी पड़ी, पहले 1 बैटरी का इन्वर्टर था, अभी 2 बैटरी लगवानी पड़ी। तो ये नौबत या तो आपके यहाँ भी होना चाहिए, 2-4 बैटरी होनी चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए अगर 24 घंटे बिजली मिल रही है, है ना। और कोई और सवाल है नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से त्यौथर की जो बिजली से रिलेटेड समस्याएं हैं उस पर काम करती रहेंगी, अपनी टीम को मोटिवेट करती रहेंगी और अपनी टीम को सेवा का भाव भी सिखाएंगी कि वो आपके कस्टमर्स हैं और कस्टमर भगवान होते हैं, वो हैं तो हम हैं, अदरवाइज किसी की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो व्यवस्था का अगर हम हिस्सा हैं तो व्यवस्था दुरुस्त करना भी हमारा काम है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ऑनेस्टी से जवाब दिया और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। हमारी अब तक की रिपोर्टिंग के अलग अलग एपिसोड में सारी वीडियो डिटेल में आपको द खबरदार ओरिजिनल्स में मिल जाएगी। हर एपिसोड अलग पोस्ट किए गए हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर देख सकते हैं। हमने इस पूरी यात्रा के वीडियो को एक नए प्लेलिस्ट में भी रखा है ताकि आप लोगों को पूरी यात्रा की वीडियो एक साथ मिल सके। तो फिर जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको पूरी यात्रा में इतनी नई और रोचक चीजें दिखाएंगे जो आपने अब तक कहीं ना देखी होगी और ना सुनी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जबलपुर से इंदौर तक के इस सफर की वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और द खबरदार न्यूज TKN ओरिजिनल्स जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस यात्रा की सारी वीडियोज एक साथ देखने को मिले। धन्यवाद।